दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नॉर्सेट 2023 यानी कि नॉर्सेट 4 नॉर्सेट 5 के मेमोरी बेस पेपर के बारे में। और इस पेपर में हम पढ़ेंगे 60 प्लस एमसीक्यूज, इसमें डिस्कस करेंगे। और पार्ट बी में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके 80 to 90 प्लस MCQs जो है इसमें डिस्कस हो जाएंगे, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं या गलत हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, में से सारे ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सीधा क्वेश्चन है और आंसर है कब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, मॉर्निंग शिफ्ट की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट का पेपर जल्दी आपको लाया जाएगा आपके लिए। अभी आप इवनिंग शिफ्ट का देखें, सॉरी मॉर्निंग वाला देखें, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, आप सभी को पता है यूनिवर्सल डोनर ओ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म। और इश्यू ऑफ फेगस ट्विंस का एक इमेज था जिसमें जो है दो बच्चे थे इस तरह से, और बच्चे जो है बटक्स के यहाँ से जुड़े हुए थे आपस में, ठीक है। तो इस इमेज को हम इश्यू ऑफ फेगस कहेंगे। और वेस्ट लेनर रिट्रैक्टर का भी इमेज था, ठीक है, इस तरह से जो रिट्रैक्टर आपका पूछा गया था, ठीक है। वो उसके इमेज में आपको बता दूंगा। टाइफॉइड से रिलेटेड एक प्रश्न था कि टाइफॉइड पर कौन सा टेस्ट करेंगे, तो विडाल टेस्ट करते हैं, आप सभी को पता है। नेशनल सिंबल्स इन इंडिया कितने हैं, तो 17 सिंबल्स हैं नेशनल के, नेशनल सिंबल्स। विच पॉइजनिंग ब्लू लाइन इज सीन इन गिवन, जो है ब्लू लाइन गम के ऊपर कौन सी पॉइजनिंग में देखी जाती है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लू लाइन जो है गम के ऊपर देखी जाती है आपके लेट पॉइजनिंग के अंदर। फिर G20 समिट कहाँ पर जो है, कौन जी सेवेंटी समिट में कौन अक्षरधाम मंदिर गया था, तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री जो है यूके के हैं वो गए थे। चारकोट ट्रायड में क्या क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है फीवर होता है, जॉन्डिस होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, और जो दूसरा ऑप्शन था वो सही होगा, ठीक है, गलत होगा मतलब, तो जो गलत है वही सही है। वुमन के कैथेटर की साइज़ पूछी गई थी, कौन सा साइज़ का कैथेटर वुमन के अंदर यूज़ करते हैं, तो 14 से 16 गोज यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मिलते रहें। जिससे स्कोर अगर मरा हुआ व्यक्ति है तो 3 आएगा, कुछ लोग 0 बता रहे हैं, 0 नहीं आएगा, क्योंकि चाहे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है कोमा वाला व्यक्ति, तो मरा हुआ व्यक्ति भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। डिस्फेजिया फर्स्ट डेवलप कहाँ पर होगा, HLHS कार्डिया। उसके बाद विच वैक्सीन गिवन अलॉन्ग विद MR वैक्सीन विटामिन ए का देते हैं, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल। गार्लिक स्मेल पॉइजनिंग, कौन सी पॉइजनिंग में गार्लिक की स्मेल आती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ये बात आप ध्यान रखें। हीमोग्लोबिन ऑफ हेल्दी वुमन, एक हेल्दी वुमन का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम पर डे। विच वायल यूज फॉर PTINR, PTINR के लिए कौन सी वायल यूज़ करते हैं, तो ब्लू टॉप वायल, या फिर अगर ऑप्शन में हो सोडियम सिट्रेट, अगर केमिकल पूछा जाए तो सोडियम सिट्रेट राइट आंसर होगा, अगर वायल का टॉप पूछा जाए तो ब्लू टॉप होगा। इमीडिएट इंटरवेंशन फॉर हिमरेजिक शॉक, हिमरेजिक शॉक के लिए हम क्या करेंगे इमीडिएटली, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें करना पड़ेगा। डायबिटीज़ रिस्क 105, इसमें रिस्क का परसेंटेज पूछा था, तो 10.5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर जाएगा। नॉर्मल वजाइना डिलीवरी के बाद सेकेंड डे हमें एग्जामिनेशन करना है वजाइना और रेक्टम का, कौन सी पोजीशन देंगे, तो सिम्स पोजीशन। फीमर फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 48 आवर्स, जो है फैट एम्बोलिज्म हो सकता है फीमर फ्रैक्चर के बाद दोस्तों। डिस्टेंस ऑफ क्रचेस फ्रॉम एक्जुला, एक्जुला से 2 से 3 फिंगर या 2 से 3 इंचेस हम उसको दूर रखेंगे, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। विच डाइट नॉट यूज इन मोनो अमीनो ऑक्सिलस इनहिबिटर, ये जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। टायरामिन कंटेनिंग जो फूड है वो अवॉइड करते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। BMI ऑफ प्री ओबेस पर्सन, प्री ओबेस पर्सन की BMI जो होगी 25 to 29.9 के बीच में होगी दोस्तों। बर्न की अगर बात करें तो होल हैंड, हैंड पर पूरा बर्न है, चेस्ट पर बर्न है, एब्डोमिन पर बर्न है, तो हम इसको टोटल कितना काउंट करेंगे, 9 plus 18 यानी कि 27 जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल, फीमेल में इंग्वाइनल हर्निया होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पूछा गया हो तो इनडायरेक्ट को आप राइट आंसर मानते हुए चले। GCS के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसमें से नहीं अगर पूछा गया हो तो आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोडल रिस्पॉन्स तीनों होते हैं, इसको एक को छोड़ दीजिए, जो दूसरा होगा गलत हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम की डाइट पूछी गई थी दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट कम देते हैं, प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, फैट भी ज़्यादा देते हैं। G20 समिट किसने इनॉग्रेट किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। इलोस्टोमी की इमेज पूछी गई थी दोस्तों, ठीक है, उसमें स्टोमा था और उसकी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के इसके बाद, PDF ख़त्म हो जाएगी जैसे ही। पाइलोरिक स्टेनोसिस
विद प्रोलॉन्ज वोमिटिंग कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर पाइलोरिक एसिडोसिस है, लंबे समय से वोमिटिंग हो रही है, तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। जी हाँ, यही सही आंसर है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, किडनी के कौन से पार्ट्स होता है? तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल यानी कि पीसीटी से होता है। देन मैस्टोइड के रिट्रैक्टर जो है उसकी इमेज पूछी गई थी आपसे। व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोसर्जरी, इसमें मोनो और बाईपोलर होती हैं, ठीक है। देन इंडियन कैलेंडर कब से शुरू होता है, कौन से महीने से शुरू होता है? तो चैत्र मंथ उसका राइट आंसर होगा। ऑड वन आउट में कैप, हेलमेट, सीट बेल्ट, इसमें बोर्डर्स जो हैं वो राइट आंसर होगा। डायबिटीज इंसिपिडस सिम्टम्स, पोलियोरिया, पोलीडिप्सिया, ये वगैरह होते हैं। क्वेश्चन क्या था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पेपिलोमा सर्जरी जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाती है। सीओपीडी पोजीशन की बात करें तो ऑर्थोपनिक पोजीशन हम देते हैं। सेप्टिक शॉक के सिम्टम्स पूछा गया था तो फीवर होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से क्या था, एक्सेप्ट था या क्या था, वो आप आंसर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कौन सी नर्व अफेक्ट हो जाती है डायबिटीज़ के अंदर? तो हम राइट आंसर मानेंगे ओक्यूलोमीटर यानी कि थर्ड क्रेनियल नर्व। वेरिकोज वेन ब्लीडिंग, एक्टिव मैनेजमेंट, डायरेक्ट प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल एरिया, ठीक है। वेरिकोज वेन में ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव मैनेजमेंट क्या है? प्रेशर अप्लाई करना है प्रॉक्सिमल टू द ब्लीडिंग, और हमें जो है टर्निकेट वगैरह हम बांध सकते हैं, नहीं है तो फिर प्रेशर डायरेक्टली अप्लाई करना है। थायरॉइड को कंफर्म करने के लिए थायरॉइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, आप सभी को पता होगा। अपाची स्कोर ये थोड़ा सा अलग पूछा गया था। सेप्टिसीमिया, आईसीयू के अंदर सेप्टिसीमिया चेक करने के लिए अपाची स्कोर काम में लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद एट्रोपिन का ड्रग कैलकुलेशन आया था, 0.4 mg पर ml है, 0.15 mg देना है तो कितना आएगा, 0.38 ml आंसर आएगा। होमान साइन कहाँ देखने को मिलता है? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर होमान साइन देखने को मिलता है। एंजियोसोफोर टॉक्सिक इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। टॉन्सिलेक्टोमी, चाइल्ड अगर रिकरेंट स्वेलिंग कर रहा है तो क्या करना है, नर्स को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट फील दैट आई एम किंग ऑफ वर्ल्ड, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया का राजा है और सबसे महान है, तो इसका मतलब ही इज हैविंग द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस है। 50 ml पर आवर से माइक्रो ड्रिप में देना है तो 50 ड्रॉप पर मिनट आंसर आएगा। ईजी है, 60 से 60 कट जाएगा, 50 का 50 बच जाएगा, सही होगा। अपर थोरेक्स, लोअर थोरेक्स और जो है बर्न हो गया है उस पर, तो क्या असेस करेंगे, यूरिन आउटपुट हमें पहले असेस करना है। वारफेरिन ओवरडोज विच इज़ नॉट अ मैनेजमेंट, वारफेरिन ओवरडोज में क्या मैनेजमेंट नहीं होगा? तो हम FFP दे सकते हैं, स्टॉप करेंगे, हिपेरिन नहीं देंगे, और विटामिन के दे सकते हैं। विटामिन को एंटीडोट है तो हिपेरिन को नहीं देना है, क्योंकि हिपेरिन अपने आप में वैसा ही काम करेगा जैसा वारफेरिन करता है, एंटीकोगुलेंट दोनों। उसके बाद 16, 28, 52 और ये सीरीज पूछी गई तो इसमें 88 राइट आंसर आएगा। हीमोप्राइसिस कहाँ देखने को मिलता है, कौन सी बीमारी में? तो DBR राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स क्या होंगे? तो उसमें आप दे सकते हैं कि उसको जो है हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेशेंट को ट्रिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं, और जो है पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो सकती है, ठीक है, ट्रेमर्स वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन था। टेंशन न्यूमोथोरिक्स, डिवाइडेड ट्रेकिया, ठीक है, एक्सेसिव एयर कलेक्शन, ठीक है, डिवाइडेड ट्रेकिया, इसमें राइट आंसर जाएगा। क्लेमाइडिया सिम्टम्स में एपिडर्टाइमाइटिस जाएगा। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि एब्डोमिन को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं इस तरह से। उसके बाद इन्फेक्शन ड्यू टू हॉस्पिटल जो प्रोसीजर्स हैं उसका इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन। फ्लाइल चेस्ट का मैनेजमेंट क्या करेंगे? लार्ज बोर्ड का कैनुला यूज़ करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे। वंदे भारत का दूसरा नाम क्या है? ट्रेन 18। इलोस्टोमी इमेज बात हो गई है उसकी। डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हाइपोटेंशन हो सकता है। रेनल फेलियर में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है। चलिए इमेज बता देता हूँ मैं आपको, ये एक इमेज थी दोस्तों, इलोस्टोमी इस तरह से इमेज पूछी गई थी, ठीक है। ये आपका रिट्रैक्टर है, फिर इसकी बात तो हो चुकी है, ये इस तरह से बच्चे जो है जुड़े हुए होते हैं, इसकी हमने क्वेश्चन की बात कर ली है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ग्रेट डे।